हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एआई से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐप्स की जो कि आपके डेली लाइफ के लिए काफ़ी यूजफुल है और इन ऐप्स की मदद से हम काफ़ी सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसे देख पाएंगे। और आज बात करेंगे कुछ ऐसे ऐप्स की जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ऐप्स पे, जिसमें सबसे पहला ऐप है USP के। जितने भी मैं ऐप्स बताऊंगा आपको, वो उन ऐप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसे चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और या यूज़ कर सकते हैं। तो USP जो ऐप है, बेसिकली आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसको एनालिसिस करता है। आजकल के समय में आपने देखा होगा कि जितना भी वर्चुअली हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे के सामने। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा AI बेसिस पे एक ये आपकी USP ऐप बनाया गया है, जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों होता ये है कि आप जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वर्ड पावर है और आपका जो वोकल टोन है, इसके आधार पे। और आपका आई कॉन्टेक्ट क्या है, आपका आपका जो बातचीत का जो तरीका है वो क्या है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपका स्माइल काउंट क्या है, यहाँ तक कि आपका हैंड का मूवमेंट क्या है, आपका हेड का मूवमेंट क्या है, ये सब चीज़ें इसी में एनालाइज होती है। इसी तरह जो आपका वोकल टोन होता है, इसमें आप 142 वर्ड पर मिनट एक आइडियल होता है, इसके अकॉर्डिंग आप मीडियम तरीके से बोल रहे हैं या आपकी स्पीड हाई है या लो है, ये इस तरीके से इसमें एनालाइज करता है। और आपका वर्ड काउंट में आपको दिखाता है कि आपका क्या जो निगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, आपका जो वर्ड काउंट हो रहा है उसके आधार पर ये आपका एनालिसिस करता है। कुल मिला के अच्छा ऐप है और AI बेसिस पे है, काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चले चलते हैं अपने दूसरे ऐप पे, जिसका नाम है AlsaSpeak। AlsaSpeak भी बेसिकली आपकी एक प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है और इसमें मिलियंस ऑफ डाउनलोड हो चुके हैं। आप देखेंगे तो आप इसे काफ़ी अच्छा पाएंगे और 4+ इसकी स्टार रेटिंग है। AlsaSpeak में बेसिकली दोस्तों होता ही है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप किसी भी नेटिव स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन नेटिव स्पीकर के अकॉर्डिंग है उसमें एडजस्ट कर दिया, तो स्टार्टिंग में आपका AlsaSpeak आपको एक एक्सरसाइज देता है जिसको आपको बोल के उसको कंप्लीट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपके एक प्लान चार्ट बना देता है। इस प्लान चार्ट में आपको प्रैक्टिस करना होता है डेली बेसिस पे, आप 10-15 मिनट जैसा आप चाहें कर सकते हैं और आपने अगर अच्छे से इसको किया तो आपको 1-1.5 मंथ में कहीं ना कहीं अच्छा सा रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसे स्पीक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है। नेक्स्ट वन इज़ द माई हेरिटेज ऐप, MYHERITAGE। माई हेरिटेज ऐप जो है बेसिकली ये एक AI बेसिस का काफ़ी अच्छा ऐप है। आप इसमें कर क्या सकते हैं, आप इसमें एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और आप देखेंगे उस फोटो को अपलोड करने के बाद में आप उस फोटो को एक तरीके से देखेंगे तो वो लाइव एक तरीके से उसका मूवमेंट होता है। जैसे आपने कोई फोटो अपलोड किया तो आप देखेंगे अपलोड होने के बाद AI बेसिस पे वो ऐसा वर्क करता है कि आपका फोटो में मूवमेंट हो जाता है, मतलब आई आपकी आंखें जो है वो को मूवमेंट हो जाता है, आपका हेड का मूवमेंट ऐसे हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे मूवमेंट के स्ट्रक्चर दिए होते हैं माई हेरिटेज ऐप में, जिसके थ्रू आप उस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करके भी उस मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। और आप यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छा ऐप है। मतलब आप चाहें तो अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या इस तरीके के आप पुरानी फोटो जो ब्लैक एंड वाइट हैं उनको भी मूवमेंट करके एक तरीके से सजीव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ करिएगा माई हेरिटेज ऐप को। चलिए आते हैं अगले ऐप पर। अगले ऐप का नाम है रिप्लिका, REPLIKA। रिप्लिका एक ऐप, एक ऐसा ऐप है जिसमें थ्रू आप सीधे एक AI रोबोट से बात कर सकते हैं। मतलब यह जैसे आप WhatsApp यूज़ करते होंगे, WhatsApp में हमने देखा होगा आप किसी फ्रेंड से चैट करते हैं, इसी तरह रिप्लिका में भी आप AI रोबोट से आसानी से बात कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी हैप्पी हैं सॉरो हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप एक वर्चुअली आप एक गर्ल्स है या किसी भी तरीके से एक आपने AI फ्रेंड को भी एक तरीके से जनरेट कर सकते हैं और आप सीधे उसे बात कर सकते हैं। और रिप्लिका ऐप में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि आप AI रोबोट से बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करता है और कहीं ना कहीं आप उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके काफ़ी सारी चीज़ें उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इंग्लिश में, हालांकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करके या आप कोई भी टेक्निकल चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं, तो अच्छा ऐप है, आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इसका फेस ऐप। दोस्तों फेस ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप अपने फेस को एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जैसे आपने किसी अपने फोटो को उसमें अपलोड किया तो फेस ऐप में होता यह है कि आपका जो जो चेहरा है या जो आपकी फ़ोटो है
उसमें काफ़ी सारे इंप्रेशन चेंजेस हो जाते हैं। चाहे तो आप उसमें स्माइल काउंट लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसमें अपने फेस में बियर्ड लगा सकते हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हेयर कलर चेंज कर सकते हैं, इवन एज और जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छा ऐप है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मिलियंस इसमें डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये कुल मिला के 5 ऐप ऐसे हैं जो कि AI बेसिस पे काम करते हैं और काफ़ी अच्छे ऐप हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक फॉर योर वॉचिंग।